हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज तो सुबह सुबह ही जाना पड़ गया, अभी जा रही हूँ मैं आज सैंपल देने। उस दिन गई थी ना हेल्थ सेंटर, तो बीच में खांसी जुकाम फीवर ये सब हो गया था, तो वो वाले टेस्ट कराए नहीं, क्योंकि अगर टेस्ट कराती तो कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर आता। इन्फेक्शन तो हो ही रखा था उस टाइम पर, तो अभी थोड़ा ठीक है। कल परसों और कल कोई फीवर नहीं आया, ना कल खांसी आई, मैं अभी ठीक हूँ। तो आज सोचा कि चलो दे आती हूँ, यहाँ का जो हमारा मोहल्ला क्लिनिक लगता है वहाँ पे जाऊँगी मैं। अभी बाहर बहुत धुंध है, अभी सिनोए का दूध लेके आई हूँ और अभी जा रहे हैं साहब आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी कराने। हमें लगा था कि है आधार कार्ड की कॉपी, डॉक्टर की जो स्लिप थी उसकी तो करा ली थी कल, घर पे निकाल ली थी, प्रिंटर है पर लेकर, और अभी देखने लगे तो आधार कार्ड की मिली नहीं फ़ोटो कॉपी, वहाँ पर देनी होती है ना। तो अभी गए हैं साहब फ़ोटो कॉपी कराने, और धुंध है बहुत आज, तो चलिए फिर दिखाऊंगी बाहर जाके। इतनी ज़्यादा धुंध और कड़ाके की ठंड, आज से ही फटीक लगी। सुबह सुबह निकल लिए बाइक पर, तो दुकानें वकानें कोई खुली नहीं है, और जब हमने जाते जाते बीच में खेत आते हैं थोड़ी सी दूर, खेतों में दूर भी ज़्यादा है। ये देखो सरसों है, ये आठ बजे का टाइम है, 8:30 हो गए अभी तो कोई नहीं आया, यहाँ पे बंद है। हम आ गया और ठंड इतनी ज़्यादा है, कप कप चढ़ गई बाइक पर आते आते। ये देखो बंद है अभी भी, लोग है। देखो कितनी रिक्शा खड़ी है, रिक्शा स्टैंड है यहाँ पे रिक्शा का। उधर ना पीछे रिक्शा है, उनके पीछे आग जला के सिकाई कर रहे हैं अपने हाथों की, मन तो कर रहा है वहीं चले जाएं जब तक ये बंद है। टाइम 8 बजे का, और कह रहे हैं कि 9:30 आएंगे, सफाई वाली आई है अभी, तो हम तो वापस ही जा रहे हैं। अब दूसरा आएगा उधर हमारे घर के पास, उसमें जाएंगे। साथ में बाइक उठा लिया, उधर चलते हैं वापस। अब ये खुला हुआ है, बन गया काम, ये देखो दयाई एक पूरा सिरिंज भर के निकाल लिया अब लड़का। परसों आएगी रिपोर्ट, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या आया रिपोर्ट में। ठंड भयंकर थी भाई, ज़्यादा धुंध और ठंड, बाइक पे सही शिमला वाली फीलिंग आ गई। शिमला से भी आगे कुछ हो तो पहाड़ों वाली, मसूरी वाली, बर्फ वाली। ठंड में कुल्फी जाऊंगी, कुल्फी जाऊंगी ठंड में। इसको देखो ये सुबह सुबह कहाँ जाएगी, कंगी करके कॉलेज, ये अभी कॉलेज जाएगी। आज छुट्टी नहीं है कॉलेज की, आज वो है ना लोड़ी, इसकी छुट्टी नहीं है। देखो सुनो कुछ हो रहा है, दिखा कि नहीं, नहीं दिखा शायद कंबल में, ये सो रहा है अभी। आज गुरुवार है तो मैं अभी नहा के आ गई हूँ, येलो पहन के देखो, और चूड़ियाँ भी डालनी है येलो ही। तो सही में आज ठंड ने सही कुकड़ी बना दी, फर्स्ट टाइम आज ठंड लगी है इतनी इस ठंड में। और इधर देखो ये हो गया है रेडी ऑफिस के लिए, ये खा रहा है चने के लड्डू और दूध पी रहा है, सब पी रहे चाय। और मैं अभी करूंगी पूजा पाठ, उसके बाद पीऊंगी चाय वाय जो भी पीना। ये हो गया है रेडी, देखो अरे छत्रपति आ गई, छत्रपति राम जी मैया रानी, तेल मालिश कर दी है और ये देखो ऐसे कंघी कर दी है इसकी, और अभी रामायण का भजन सुन रहा है ये, इसको हम कर देते हैं बंद, बाद में सुनेंगे है ना। चलो देखो उधर, देखो उधर नहीं देखना भाई, इधर देखो ये हो गया रेडी,
अभी इसको मैं घी लगा देती हूँ, ये गाय का घी रखती हूँ। ओलू डुब गया भाई, लुटकी उड़की मार गया, उधर नजर चली गई। चलो 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 चलो, ऐसे घूम जाओ भाई, ऐसे घूम जाओ भाई। ओए उतरी उतरी उतरी, ना 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 ना, घी लगाओ घी लगाओ घी लगाओ, ऐसे ऐसे लगा दो भाई, इसको घी लगा दो भाई, इसको घी लगा दो भाई। हाँ, इसको मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, नारियल का तेल लगाती हूँ, गाय का घी लगाती हूँ और सूखी हुई का जल, बस यही मेकअप करते हैं हम इसका। ये देखो बदमाशी करता है, ये बदमाशी बदमाशी करता है ये। आज ये तुम दोनों दादी पता येलो येलो हो गए हैं। चलो इसको बंद करो। 12 बज चुके हैं, सिनोएस हो गया है और मैंने भी चाय चुए पी ली है। और अभी मैं लगी थी, मैं कहा चलो बेड को थोड़ा ठीक कर देती हूँ। तो देखिए साहब वापस बैठ गए आगे कंबल में, और अब ये सारा दिन ऐसे ही रहेगा बेड। जनवरी जनवरी मेरे को लगता है ऐसे ही रहेगा ये, कोई इसको उठाने उठाने की ज़रूरत नहीं है, साफ करने की। बेड को ऐसे ही रखो इसे। चलिए फिर आज आप लोगों को साईं बाबा के दर्शन करवा के लाती हूँ। आज साईं बाबा मंदिर जाएंगे आज। शिनोई उठ गया साईं। ये देखिए आज मैंने इस सूट का मॉडिफिकेशन कर दिया है, इसके साथ मैंने येलो प्लाजो पहन लिया है कली वाला, और ये इसमें वर्क है ना, तो देखो मैचिंग हो रहा है कि नहीं। मेरे को तो लग रही है परफेक्ट मैचिंग। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, उधर से सिनोई भी देख रहा है। क्योंकि येलो सूट नहीं है मेरे पास, अच्छा ऐसे जुगाड़ जुगाड़ करके पहन रही हूँ अभी, बीच में फास्ट मैंने छोड़ दिए थे ना, तो येलो सूट की कमी हो रखी है। अभी येलो सूट उस दिन लेके आई थी मैं विनीता की मम्मी की शॉप से, लेकिन वो सिला नहीं है, रात में बाकी बाकी गई इनर लेने, मिला नहीं। एक दो दिन बाद इनर आया, तब तक मेरा ठंडा हो गया जोश। अभी वो कब कटिंग होगा तब सिलेगा, तो ऐसे जुगाड़ कर रही हूँ मैं। इसकी चुन्नी भी येलो है, सूट तो मैंने काफी बार पहना हुआ है और आप लोगों को पसंद भी है, कमेंट भी आया था कि ये सूट बहुत पसंद है। तो इसका दुपट्टा तो येलो है ही, और प्लाजो भी येलो कर लिया, तो हो गया ना ये येलो सूट। और मेरे पास स्वेटर भी है येलो, अभी पहन रखी थी मैंने, निकाल दी कहीं, अभी पहन पहन के तैयार हो गया, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं फटाफट से तैयार हो लेती हूँ, फिर जाएंगे साईं बाबा मंदिर। देखो जी होगी मैं रेडी। इसकी चुन्नी नहीं होगी, उसका कलर ना थोड़ा इससे अलग था, और मैं सितारे वितारे भी थे, ये इसके सेम कलर की है। देखो बन गया ना मस्त मैच। चलते हैं साईं बाबा, साईं बाबा मंदिर जाएंगे अभी सारे। देखो कौन कौन है, विनीता पारुल, विनीता मेरा मास्क पर्स में है, देना मेरा मास्क दे दो, सारे लगा लो मास्क। चलो देखो ई रिक्शा ले ली हमने, और ये विनीता अपनी बाबी के गोदी में बैठी है। देखो और सिनोए अपनी छोटी दादी की गोदी में है, ये देखो। और साहब ने पहले बोला था कौन को संभाल के रखना, तो इसलिए अब मेरे को डर लग रहा है कि सच में गिर जाए। अंदर ही कर लेती हूँ, अब रास्ते की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मंदिर में जाके ही बनाऊंगी। आ गए हैं साईं बाबा मंदिर। ये देखो यहाँ पे ऐसे दुकानें लगी हुई हैं, और ये देखो बाहर से मंदिर का नज़ारा। ये देखो यहाँ पे ना ऐसे सुविधा है, ये पॉलिथीन में डाल के सारे, नीले और हरे रंग में क्या नहीं, वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। देखो यहाँ पे कितनी सेवा करते हैं ना ये लोग, सारे जूते चप्पल हमारे सबके डाल के और उसमें रख दिए हैं। तो इसका नाम जोड़ा घर क्यों है, जूता घर क्यों है? जोड़ा घर है, जूते के जोड़े ही होते हैं।
और ये टोकन दे देंगे, अभी देखो टोकन मिल गया हमको, 079 का टोकन है हमारा। मंदिर के अंदर की वीडियो कल देखिएगा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।